मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। यहां सिंध नदी पर बने पुल पर सोमवार रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इससे ट्रैक्टर सवार दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं और इनमें 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधिकारी ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि पीड़ित लोग भिंड जिले के दबो थाना क्षेत्र के जाखोली भिंडवा गांव के रहने वाले हैं और हादसे के वक्त वे रतनगढ़ की माता के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने मीडिया को बताया कि मंदिर से लौटते समय यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली दतिया जिले के सेवड़ा पुलिस थाने के अंतर्गत पड़ने वाले सनकुआ के पास सिंध नदी पर बने पुल के पास पलट गई। इसमें दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर हालत में घायल मरीजों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत आने वाले परेरा विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल प्रखंड परेरा द्वारा चलाया जा गया हित चिंतक अभियान आज दिनांक 8/11/2022 को बजरंगदल प्रखंड परेरा द्वारा हरितला मंदिर पर प्रखंड बैठक की गई, जिसके मार्गदर्शक जिला मंत्री वंशी नामदेव जी रहे। इस बैठक में बजरंगदल प्रखंड के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे व पलेरा विद्युत मंडल के कर्मचारियों के देखी जा रही है मनमानी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पलेरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आलमपुरा के दुवान मोहल्ला ट्रांसफार्मर के पास लगी रहती है दिन प्रतिदिन आग। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार तो कई मवेशियों को करंट लगने से मौके घाट उतार दिया है, क्योंकि वहां जो डोरियों का जाल फैला हुआ है वह जमीन से एक ही मीटर की ऊंचाई पर है। जमीन से 5 से 7 फीट ऊंचाई है। लोग जमीन से कई लोग हाथों से केबल को हाथों से छूते रहते हैं। महिलाओं को पानी भर ले जाने में हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। यहाँ पे समस्या आ रही है कि यहाँ पे आए दिन मवेशियों को मतलब खतरा फैला रहता है और यहाँ पे शासन प्रशासन की लापरवाही हो रही है, जो कि एक साल से यहाँ पे मतलब ना लाइट की बिजली आई हुई है, ना खम्मा आया हुआ, खम्मा भी मतलब 5 महीने पहले टूट गया था, जो मतलब हमारे मोहल्ले वालों ने उसको आधा है उसको आधा